मंदिर के फ्रंट का व्यू आपको दिखा देता हूँ एटलीस्ट, और उधर भी है मंदिर वगैरह। तो मेन जो मंदिर है कृष्ण, तो गाइस अभी हम आ गए हैं आगरा कैंट। तो आगरा कैंट से हमें ट्रेन लेनी है और जाएंगे मथुरा। तो मथुरा के लिए हमने पूछा कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो सब ने हमें यही बोला कि ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी इसलिए स्टेशन आ गए क्योंकि आगरा फोर्ट में थे हम, तो अभी कैंट से हम स्टेशन आगरा कैंट में आ गए। अब यहाँ से मथुरा के लिए ट्रेन लेंगे और एक बार टिकट ले लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है। तो ये है कैंट रेलवे स्टेशन, तो अभी एंटर कर रहे हैं हम अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो चलो एंट्री करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी पंजाब मेल, इंदौर, अमृतसर एक्सप्रेस सारी ट्रेनें हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं कैंट स्टेशन आगरा कैंट, तो यहाँ से हमारी ट्रेन है मथुरा के लिए। तो अभी मथुरा पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं, पहले ट्रेन चढ़ते हैं उसके बाद फिर आपको मथुरा पहुँच कर आपको दिखाते हैं कि कितना टाइम लगता है, और वहाँ जाके पहले सूर्य मंदिर पे दर्शन कर लेते हैं क्योंकि उसकी भी टाइमिंग है जो हमें पता लगा यहाँ पे। तो लेट्स गो, चलते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं और बताते हैं आपको क्या कर सकते हैं। हमारी ट्रेन आ गई है और कैंट से अब हम जा रहे हैं मथुरा, तो मथुरा की तरफ चलते हैं। और यहाँ से एक घंटे का रास्ता है और एक घंटे का रास्ता क्रॉस करके हम चलेंगे मथुरा। लेट्स गो मथुरा, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं हमारी ट्रेन आ गई है। गाइस हम पहुंच गए हैं मथुरा जंक्शन, ये है मथुरा। अब यहाँ पे पहुंच के हम जाएंगे मथुरा के मंदिर वृंदावन और एक एक चीज़ आपको यहाँ से घुमाएंगे। तो पेड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली जगह। तो अभी हम पहुंच गए मथुरा जंक्शन, तो अभी उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अभी का प्लान क्या जो भी होगा वो मैं आपको बताऊँगा। हम पहुँच गए हैं मथुरा, एंड मथुरा में अभी मंदिर देखने का प्लान किया हमने, और मंदिर घूमते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे वृंदावन, एंड वहाँ पे शाम को मंदिर खुलते हैं आई थिंक 12 बजे तक, अभी बंद हो जाते हैं। उससे पहले सोचा कि हम मथुरा के मंदिर घूम लेते हैं, तो उसके बाद होटल ले लिया जाएगा वृंदावन में, एंड उसके बाद फिर हम आगे शाम को आपको सारा कुछ दिखाएंगे। चलो अभी आप पहले इंजॉय करो मथुरा का व्यू। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है बाहर निकलने के लिए, समटाइम्स क्या होता है कि वहाँ पे निकास लिखा हुआ है और फ्रंट की साइड भी जाते हैं और यहाँ एक्सेलेटर से भी जाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे सही रास्ता। तो हम एंट्री से बाहर निकल रहे हैं, अब ये भैया भी पूछ रहे हैं, तो हम आगे निकलते हैं आगे की तरफ। जब पूछेंगे आपसे तो आपने नहीं बताना है कहाँ जाना है क्योंकि आपका सर खा जाएंगे। तो आपने ये बोला है कि बाहर कोई लेने आए, बट बाहर निकल के आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी सस्ती। हमें ये भैया मिल गए और हमने रिक्शा करना प्रेफरेंस समझा क्योंकि यहाँ से अच्छा व्यू हम कैप्चर कर सकेंगे। ऑटो वाले भी बहुत मिलते हैं, पर ऑटो आपकी प्रेफरेंस है, आप ऑटो लो या रिक्शा लो, बट रिक्शा इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ से आप हर चीज़ कैप्चर कर सकते हो और नज़ारे देख सकते हो। सो रेल बस आपने सुनी होगी मथुरा की, ये जंक्शन है उसका, और यहाँ से रेल बस मिल जाती है। अगर जाना हो व्यू एंजॉय करने हो यहाँ से जा सकते हैं। ये देखो बंदर बहुत हैं यहाँ पे, और हम मथुरा की गलियों में निकल पड़े हैं। देखो जगह जगह आपको पोस्टर मिलेंगे कृष्ण जी के, और देखो शीर्षनाग के, सत्यमेव जयते के, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बोर्ड दोस्तों जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। देखो रिक्शा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि रिक्शे वाले भैया को मतलब, देखो ऑटो तो सब भी यूज़ करते हैं ना, रिक्शा यूज़ करो इनको, क्योंकि देखो यार आज के टाइम पे ना मजदूरी इनको देनी बनती है ना, क्योंकि सब ऑटो की तरफ भागते हैं, रिक्शा कोई नहीं यूज़ करता। हमने प्रेफरेंस किया कि हम मैक्सिमम रिक्शा करेंगे, और जो देखो 100 रुपये दोनों को दे रहे हैं ना, इनको भी और उनको भी, तो इनको क्यों ना दिया जाए, और इनकी मेहनत जो इतनी होती है, हार्ड वर्क होता है। और ये देखो ये सारा सम्राट कैरियर पॉइंट है, ये देखो ट्रैफिक यहाँ की मतलब ठीक है, बढ़िया है, पुलिस भी जगह जगह है फॉर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट। ये देखो टूरिस्ट आपको नज़र आ जाएंगे जगह जगह जाते हुए, डोमिनोज भी हैं यहाँ पे, ये देखो टूरिस्ट सामान लेके जा रहे हैं ना,
तो काफ़ी बढ़िया सा मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग रिक्शे में बैठे हुए हैं गेट को और रिक्शे का एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मथुरा का बस स्टैंड ये, तो यहाँ पे ना एसी बसेस वगैरह बहुत चलती हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आप ये बसों का यूज़ कर सकते हैं, कम किराया भी है। ये देखो ये भैया बता रहे हैं कि मथुरा जाना है, ये सो वृंदावन जाना है, तो इसमें जाओ, ऑटो वाले आउटसाइड उतार देते हैं ये, पर इनको अंदर एंट्री होती है। हाँ ये भैया बता रहे हैं, बहुत अच्छे भैया हमारे। ये देखो वहाँ पे स्क्रीन भी चल रही है, वो कुछ बता रहे हैं अंकल। ये देखो तो मथुरा का कॉलेज है, BHA कॉलेज मथुरा, काफ़ी बड़ा कॉलेज लग रहा है। तो स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, यूनिफॉर्म में है, तो मतलब वेल BHA मथुरा कॉलेज। ये देखो काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह है स्टूडेंट्स की, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा है कॉलेज में। अच्छा क्या लग रहा है, मतलब मुझे ऑड लग रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। ये चौराहा है, गोवर्धन चौराहा आगे है, और इस साइड हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जो मेन मंदिर है मथुरा का। मथुरा के ट्रैफिक देख सकते हो, लोग देख सकते हो, और यहाँ के ऑटो टोटो ये देखो नॉर्मल है, सब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, पंजाब से बिल्कुल डिफरेंट है, और सस्ती है चीज़ें यहाँ पे, महंगाई नहीं है। ये बाबा आश्रम है, और इसकी मुझे वो अच्छी लगी यार, हाथियों वाला ना जो सूंड से उठाया हुआ है, वो चीज़ मेरे को बड़ी यूनिक लगी, तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। हम आ गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आउटर एरिया में, आप देख सकते हो। तो अभी अंदर चलते, पहले हम सोच रहे कुछ खा पी लिया जाए क्योंकि बहुत भूख लग रही है। कभी लोग यहाँ पे खड़े हैं जो टीका लगाने के लिए खड़े हैं, पर लगवाना मत, टीका लगाने के लिए ना खड़े होते हैं, तो लगवाना मत, तो मत लगाइए, फिर लगवाइएगा मत, वो फिर पैसा मांगते हैं, क्योंकि देखो ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्ती का। तो हम पहले कुछ खाते हैं, ये देखो यहाँ पे शॉप वगैरह लस्सी वगैरह की, और वो फ्रंट पे मंदिर है बहुत बड़ा सा, बहुत प्यारा सा, लाजवाब। और ये पाथ हेरिटेज टाइप का बनाया हुआ है, जैसे गोल्डन टेम्पल के साइड है। तो ये देखो आप व्यू देखो, इंजॉय करो दोस्तों, आपको मैं आ गया हूँ दिखाने की। ये देखो ऊपर से, ओए होए 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 होए, ये देखो ये भी बहुत मज़ेदार मंदिर के अंदर का व्यू है। अभी हम अंदर जाएंगे तो अंदर से आपको सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार खाने पीने का बंदोबस्त करें, सोचे ब्रिजवासी ये नहीं, न्यू मद्रासी डोसा कॉर्नर है, यहाँ पे डोसा खाते हैं एंड भूख अपनी मिटाते हैं, कचौड़ी वगैरह भी है इधर, तो एक बार डिसाइड करते हैं क्या खाया जाए। शॉप का नाम क्या है? पप्पू की शॉप में आए हुए हम, ठीक है, और यहाँ पे आप डोसा खा सकते हो आके, बहुत लाजवाब लगा मुझे। तो फाइनली इनकी शॉप पे मुझे मिला, तो हम खाते हैं और टेस्ट देखते हैं कैसा है। और देखो यहाँ पे ना लाइन से खाने पीने की सारी शॉप वगैरह है, आप लिट्टी भी खा, तो आंटी लोग लिट्टी खा रहे हैं, क्या लिट्टी क्या कहते हैं, कचौड़ी, कचौड़ी खा रहे हैं, और जलेबी के साथ खा सकते हैं, बट हमने सोचा अभी आज डोसा खा लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अभी रहना ही है यहाँ पे एक दिन ना, तो हम फिर कचौड़ी भी टेस्ट कर लेंगे, भूख लग रही है तो एक बार डोसा ट्राई कर लेते हैं, तो कचौड़ी तो खाएंगे, तो क्योंकि कचौड़ी कचौड़ी हो रही है ना दिन रात, इसलिए हम सोचा कुछ डिफरेंट खा ट्राई करते हैं, इसलिए हम डोसा खा रहे हैं। हमारे आ गए हैं डोसा, तो हम डोसा ट्राई कर रहे हैं, बहुत बड़ा था, हमने फोल्ड किया ऐसे, और फोल्ड करने के बाद अभी इतना सा हुआ है, अभी चलो ट्राई करते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मथुरा में आए हो और कुल्लड़ वाली चाय नहीं पियोगे तो आपका बेकार है आना। अभी हम पीने वाले कुल्लड़ वाली चाय, आंटी बनाएगी कुल्लड़ वाली चाय, बहुत टेस्टी होती है, तो लेट्स टेस्ट इट। कुल्लड़ वाली चाय स्पेशल चाय आंटी बना रही है, हम उनकी पियेंगे चाय, और देखो अभी मज़ा आने वाला है। उनकी शॉप ये है, यहाँ से आप पाओगे तो ईज़िली आप यहाँ पर आ सकते हो पीने के लिए चाय। हमारा लगेज क्योंकि अभी क्लॉक रूम में अभी जाके ना हम रखवाएंगे, कल फिर घूमेंगे हम। कुल्लड़ वाली चाय आ गई है दोस्तों, तो अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये कैसी है। ओह लाजवाब यार, बड़ी ख़तरनाक चाय है, लिटरली बहुत बहुत मज़ेदार चाय है यार। यहाँ पे बारिश आ गई है, बहुत जोर, बहुत तेज़ बारिश आ गई है। अभी हमने लगेज अपना जमा करना था क्लॉक रूम में, तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ की बात यह है कि यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, बाहर से मैं जितना दिखा सकूँगा दिखाऊँगा, अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा, बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है देख लो, है ना। तो एक बार अपना सामान लगेज वगैरह जमा करते हैं, दैन उसके बाद
उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंदर मैंने क्या क्या देखा है, क्योंकि अब तो अलाउड नहीं है मोबाइल, मुझे पता नहीं था पहले। तो चलो कोई बात नहीं, हम वृंदावन दिखाएंगे और यहाँ पे जितना हो सके मैं उतना दिखाऊंगा आपको। तो गाइस अभी तक बारिश नहीं हटी है और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। देखो 5 से 10 मिनट हो गए और नॉन स्टॉप मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अभी घूमने का क्या प्लान करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमने अभी लगेज भी नहीं रखा है और चलो देखते हैं। वेट कर रहे हैं जैसे बारिश हटेगी और हम चलेंगे मत्था टेकने। चलो हटती है तो जाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लगेज जमा हो गया है और अभी हमने फ़ोन वगैरह भी जमा करना है और फिर वो भी है। तो अभी अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो अभी चलते हैं अंदर और फ़ोन वगैरह जमा करते हैं, और क्योंकि बारिश हो गई हटी है तो अब भीड़ हो गई एकदम से। चलो चलते हैं। हमने मत्था टेक लिया अंदर जाके, तो अंदर बहुत ही मतलब मज़ेदार जगह थी, और मतलब आपने अगर नहीं देखा ना तो आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते। मैं अपने जो मैंने एनालाइज किया मैं नहीं बता सकता जब तक आप अपनी अपनी आंखों से नहीं देखोगे अंदर। बहुत सही थी यार, लिटरली अंदर का जो सीन था, जो जैसे ना जहाँ पे जन्म हुआ था कृष्ण भगवान जी का, वो बहुत यूनिक था। चलो अब हम अभी लगेज ले लेते हैं, लगेज के लिए भी लाइन लग रखी है। एक रूम अभी लगेज ले लेते हैं यहाँ से। ये वाला मंदिर था जहाँ पे फोन अभी अलाउड नहीं था, तो अभी लगेज लेके हम जा रहे हैं वृंदावन। तो लेट्स गो। एंड ये वाली जगह आप देख लो, देख सकते हो मंदिर के फ्रंट का व्यू आपको दिखा देता हूँ एटलीस्ट। और उधर भी है मंदिर वगैरह। तो मेन जो मंदिर है कृष्ण भगवान का वो ये है, तो इसके अंदर फोन अलाउड नहीं है। और इसके अंदर की जो दुनिया है ना दोस्तों, लाजवाब यार, यू कांट इमेजिन जो चीज़ इसके अंदर है, तो वो मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, लाजवाब। अभी हमने मत्था टेक लिया और आगे हम वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। ये देखो आप, ये सारी चीज़ें ये हेरिटेज जोन की तरह बनाया हुआ है, माचू एंड स्पोर्ट्स। और 12:30 बजे तक का टाइम होता है मत्था टेकने का, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो उससे पहले पहले आप मत्था अगर टेक लोगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं तो शाम का वेट करना पड़ता है। हमने तो टेक लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस हमें मेट्रो बस मिल गई यहाँ की, तो मेट्रो बस ले जाएगी वृंदावन। तो बिल्कुल बैक सीट है और अच्छी व्यू वगैरह भी आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू वगैरह। चलते हैं वृंदावन की ओर। दोस्तों मंदिर बैक साइड से नज़र आ रहा है और यहाँ से व्यू भी नज़र आ रहा है जहाँ से हमने बस पकड़ी है फाटक क्रॉस करके। तो यहाँ से मैं आउटसाइड का व्यू भी दिखाऊंगा आपको, एंजॉय करते हैं यार। चलो चलते हैं आपको।